हर दिन की तरह आज का दिन भी शुरू होता है, जहाँ में अमेंडा को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ अमेरिका रहती है। अमेंडा बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती और वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी होती है, लेकिन आज अमेंडा का मूड बहुत अच्छा होता है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैंने एक आइलैंड पर छुट्टियां बिताने के लिए एक घर बुक कर रखा है, हमें वहां जाने की तैयारी करनी होगी। उसका हस्बैंड उसकी बात मान जाता है। जल्दी अमेंडा अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ आइलैंड के उस घर पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अमेंडा अपने हस्बैंड से कहती है, मैं ग्रॉसरी का सामान लेने जाती हूँ। और जब वो ग्रॉसरी का सामान लेकर बाहर आती है तो वहां पर वो एक आदमी को देखती है जो अपनी गाड़ी में पेट फूड और वाटर लोड कर रहा होता है, लेकिन जो उसने सामान खरीदा है इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत अजीब बात होती है। अमेंडा वहां से निकलकर अपने घर वापस आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर एंजॉय करने जाती है। और जब भी बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी सामने से एक बहुत बड़ा ऑयल का शिप इन्हीं की तरफ आता है। शुरू में लगता है कि वो अपनी दिशा बदल देगा, लेकिन जब वो इन्हीं की तरफ आने लगता है तो बीच में जितने भी लोग होते हैं अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। ये बहुत ही अजीब घटना होती है। इसके बाद सिक्योरिटी से इन्हें पता चलता है कि न सिर्फ ये ऑयल का शिप बल्कि बहुत सारे शिप इसी तरह से बीच पर आ गए। अमेंडा इसके बाद अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाती है। घर वापस आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, यानी कि ये ऑनलाइन फूड नहीं मंगवा सकते। बच्चों के सोने के बाद अमेंडा जब अपने हस्बैंड के साथ नीचे होती है, तभी क्वीन के दरवाजे को नॉक करता है। और जब भी दरवाजा खोलते हैं तो बाहर एक आदमी अपनी बेटी के साथ होता है। वो बताता है कि मेरा नाम स्कॉट है, ये मेरे ही घर है, मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन शहर में अचानक से लाइट चली गई, इसीलिए मुझे अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आना पड़ा। मैं जानता हूँ कि तुमने इस घर को रेंट करने के लिए पैसे दिए हैं, मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा, बस मुझे आज रात बेसमेंट में रहने दो। अमेंडा को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए पहले वो अपने हस्बैंड से अकेले में बात करती है। उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग सच कह रहे हैं। इसके बाद स्कॉट की बेटी टीवी चलाती है, पर टीवी पर कोई चैनल नहीं आ रहा होता। हर चैनल पर एक ही चीज लिखी होती है, अनरिकॉग्नाइज्ड इमरजेंसी अलर्ट। अमेंडा समझ जाती है कि स्कॉट सच कह रहे हैं। स्कॉट के चेहरे पर साफ साफ परेशानी देखी जा सकती है। दरअसल वो गवर्नमेंट ऑफिसर है और शायद उसे पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगली सुबह अमेंडा की बेटी उसे उठाती है और कहती है कि अब तक इंटरनेट नहीं आया। इसके बाद अमेंडा अपना फोन चेक करती है, जिसमें बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज होती है, जिसमें ब्लैकआउट, पावर फेलियर, पावर आउटेज के बारे में खबरें हैं। वो अपने हस्बैंड को उठाकर उन्हें दिखाना चाहती है, पर वो सारी खबरें उसके फोन से गायब हो जाती है। अमेंडा इसके बाद बाहर आती है, जहाँ पर स्कॉट को बताती है कि मेरे फोन में कुछ ब्रेकिंग न्यूज आई थी। ये सुनकर स्कॉट चौंक जाता है। अमेंडा पूछती है कि बाहर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। स्कॉट कहता है, नहीं, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस सालों पहले इसी तरह से कुछ हुआ था जब दो लड़कों ने वायरस बनाया था। मुझे उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें अमेंडा की बेटी को दिखाया जाता है जो बाहर होती है। तभी वहां पर एक हिरन आ जाता है। वो उसे बड़े ध्यान से देखती है और जल्दी वहां पर बहुत सारे हिरन आ जाते हैं। अब स्कॉट अपने नेबर के घर जाता है, लेकिन वहां पर सारा सामान बिखरा होता है, घर पर कोई नहीं होता। स्कॉट घर के अंदर जाता, उसे पता है कि उसके नेबर के पास एक सैटेलाइट फोन है। वो सैटेलाइट फोन को लेकर बाहर आता है, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे होती, क्योंकि अमेरिका की जो सैटेलाइट है उसने अपना रुख बदल लिया था, इसीलिए वो बीच पर आता है। लेकिन बीच पर आकर वो देखता है कि वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ का नजारा बहुत ही भयानक होता है। तभी वो ऊपर देखता है कि एक प्लेन उसी की तरफ आ रहा है। वो समझ जाता है कि ये प्लेन भी यहीं पर क्रैश होने वाला है। वो अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है, लेकिन पानी में प्लेन क्रैश होने की वजह से पानी की लहर घर के अंदर तक आ जाती है, जिस वजह से स्कॉट गीला हो जाता है। और अब स्कॉट घर वापस आता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को बताता है कि वो पूल में गिर गया था। दरअसल वो अपनी बेटी को डराना नहीं चाहता। वो अपनी बेटी को दूसरे कमरे में भेज देता है, जिसके बाद वो अमेंडा को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सैटेलाइट फोन कभी काम करना बंद नहीं करते। अमेंडा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसके बाद वो उसे प्लेन क्रैश की घटना भी बता देता है। वहीं हमें अमेंडा के बच्चों को दिखाया जाता है जो बाहर जंगल में होते हैं, जहाँ इन्हें कोर्ट का केबिन दिखता है। अमेंडा की बेटी अपने भाई को बताती है कि बहुत सारे हिरन मेरे पास आ गए थे, पर वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वो उसे और भी डराता है।
ये दोनों की दोनों की बिन से अब बाहर आ जाते हैं। तभी बहुत जोर की आवाज आती है, इन्हें अपने कान बंद करने पड़ते हैं। इस आवाज को एमेंडा भी घर पर सुन सकती है। उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, इसीलिए बाहर वो जंगल में आती है और अपने बच्चों को घर के अंदर ले आती है। वही एमेंडा के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो बाहर ही पता करने गया होता है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, और दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता। और जब वो गाड़ी से घर वापस लौट रहा होता है तो उसका जीपीएस काम करना अब बंद कर चुका है, इसलिए वो घर का रास्ता भूल चुका है। तभी उसके सामने एक लेडी आती है जो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। वो कहते है कि पिछले 2 दिनों से मैं अपना घर ढूंढ रही हूँ, लेकिन जीपीएस काम ना करने की वजह से मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा। हालांकि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसका बिहेवियर इतना अजीब होता है कि वो डर जाता है और उसकी मदद की बिना ही वहां से निकल जाता है। तभी उसकी तरफ एक प्लेन आता है जो ऊपर से कुछ गिरा रहा होता है। दरअसल ये छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं। एमेंडा का हस्बैंड देखता है कि दूसरी भाषा में इस कार्ड पर कुछ लिखा है। वही घर पर हमें एमेंडा को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। एमेंडा का बेटा कहता है कि जब से मैंने उस आवाज को सुना है तब से मेरे कान में कुछ हो रहा है। दरअसल वो अपने कानों को अच्छे से बंद नहीं कर पाया था। एमेंडा इसके बाद स्कॉट से पूछते है कि मैं जानना चाहती हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है और वो आवाज कैसी थी। वो एमेंडा को बताता है, ना तो किसी प्लेन की आवाज थी और ना ही किसी बॉम्ब की, मुझे लगता है कि एक साउंड वेव थी जो अपने आप में एक हथियार है। एमेंडा बताती है कि 2 दिन पहले मैंने एक आदमी को देखा था जिसने बहुत सारा पैक फूड और पानी खरीदा था, मुझे लगता है कि उसे पहले से पता था। स्कॉट कहता है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, उसे इन हालातों का पहले से आभास हो गया था, इसीलिए उसने बहुत सारा पैक फूड और पानी खरीदा था। अब एमेंडा का हस्बैंड घर वापस आ जाता है। उसके पास वही लाल रंग का कागज होता है जो ऊपर से प्लेन ने नीचे गिराए थे। वो कागज वो अपने बेटे को देता है। उसका बेटा देखता है कि उस लाल कागज पर एक तरफ ड्रैगन बना है और दूसरी तरफ दूसरी भाषा में कुछ लिखा है। वो उसमें एक शब्द पहचान लेता है जो उसने एक गेम में देखा था। वो बताता है कि इस शब्द का मतलब है अमेरिका का खात्मा। ये सुनकर एमेंडा और उसका हस्बैंड डर जाते हैं और तय करते हैं कि वो वापस शहर अपने घर चले जाएंगी। वो अपना सामान गाड़ी में रखते हैं। हालांकि स्कॉट इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें शहर नहीं जाना चाहिए, वहाँ की हालात बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन एमेंडा उसकी बात नहीं सुनती और अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसी दूर जाने की बार ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। दरअसल अचानक से सारी गाड़ियाँ बेकाबू हो गई और एक दूसरे से टकरा गई और अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। दरअसल गाड़ियों की जो सिस्टम है उनमें भी अब खराबी आ रही है। तभी एमेंडा देखती है कि पीछे से एक सफेद रंग की कार इन्हीं की तरफ आ रही है। वो जल्दी से अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठती है और अपनी गाड़ी को वहां से हटा लेती है, जिससे इनकी जान बच जाती है। और अब एमेंडा अपने पूरे परिवार को लेकर एक बार फिर से स्कॉट के घर आ जाती है। स्कॉट एमेंडा के साथ बैठा होता है जबकि स्कॉट की बेटी और एमेंडा का हस्बैंड बाहर होते हैं। तभी वो देखते हैं कि पूल में बहुत सारे फ्लेमिंगोज आ चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अजीब बात होती है। अंदर स्कॉट और एमेंडा होते हैं। स्कॉट एमेंडा को बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत अमीर है, उसे इस तरह की सिचुएशंस के बारे में पहले से पता चल जाता है, इसीलिए उसने इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए बहुत बड़े बड़े और आलिशान घर बनाए हैं। अभी वो अजीब सी आवाज एक बार फिर से आना शुरू हो जाती है। ये आवाज बहुत तेज होती है, सबके सब अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन आवाज इतनी तेज होती है कि घर की चीजें भी टूट जाती है। बहुत देर के बाद आवाज बंद होती है और अब सब के सब डर चुके हैं। रात को एमेंडा का पूरा परिवार एक ही बेड पर सोता है। अगली सुबह जब उसका बेटा उठता है तो देखता है कि उसके दांत अपने आप ही टूट रहे हैं। ये देखकर एमेंडा उसका हस्बैंड पूरी तरह से घबरा जाते हैं। स्कॉट कहता है कि जिस आदमी को तुमने सामान खरीदते हुए देखा था वो मेरा दोस्त है, मुझे यकीन है कि उसके पास दवाइयां भी होंगी, वो यही पास में रहता है। जिसके बाद स्कॉट एमेंडा का हस्बैंड उसका बेटा गाड़ी से उस आदमी के घर जाते हैं, लेकिन वो आदमी इन्हें घर से दूर रहने के लिए कहता है, उसके पास गन होती है। एमेंडा का हस्बैंड कहता है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, गाड़ी में उसके दांत झड़ रहे हैं। स्कॉट का दोस्त कहता है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, जो तेज आवाज सुनाई देती है उससे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। स्कॉट उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हम दोस्त हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए।
वो कहता है कि अब मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, वक्त हालात सब कुछ बदल चुके हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है। इस तरह से तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो, उसी तरह से मैं भी अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। पर अमेंडा का हस्बैंड बीच में आ जाता है और इन दोनों को आपस में लड़ने से मना करता है। इसके बाद उसको और के दोस्त से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। स्कॉट का दोस्त कहता है कि जब इस दुनिया में सरकार ही नहीं रहेगी, कोई पैसा और करेंसी किस काम का। इसके बाद वो अमेंडा के बेटे की मदद कर देता है, वो उसे दवाई दे देता है। साथ ही वो इन दोनों को ये भी बताता है कि मुझे लगता है कि हम पर जो हमला हुआ है वो शायद ईरानियंस ने, कोरियंस ने या फिर चाइनीज ने किया है, या हो सकता है किसी और देश ने, क्योंकि अमेरिका ने पिछले कई सालों में बहुत सारे देशों से दुश्मनी मोल ली है। या ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे देशों ने मिलकर हमारे देश के ऊपर हमला किया हो। इसके बाद अमेंडा का हस्बैंड और स्कॉट गाड़ी में बैठ जाते हैं। स्कॉट कहते हैं कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जब भी किसी देश का खात्मा करना हो तो तीन बड़ी चालें चली जाती है। सबसे पहले उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर ऐसे हमले किए जाते हैं जिसका किसी को कुछ पता नहीं चलता। जिस तरह से हम आवाज सुनते हैं, ये एक खुफिया हमला है, इससे लोग डर जाते, वो एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और जब दुश्मन की दो चालें कामयाब हो जाती है तो तीसरी चाल अपने आप ही कामयाब हो जाती है, और वो है दुनिया की जंग। जब किसी देश में कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और दुनिया एक दूसरे से जंग करना शुरू कर देगी। वही हमें अमेंडा को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को ढूंढ रही होती, उसकी बेटी घर पर नहीं होती, इसीलिए अमेंडा स्कॉट की बेटी से ढूंढने के लिए जंगल में जाते, जहाँ पर वो वुड वाले केबिन के पास पहुंच जाते। तभी इन्हें अजीब सी आवाजें आती है, ये देखते हैं कि इनकी चारों तरफ बहुत सारे हिरन आ चुके हैं। अमेंडा शोर से चिल्लाती है, जिसके बाद हिरन भाग जाते। अभी अमेंडा शहर की तरफ देखती है जहाँ से धुआं उठ रहा होता है, जंग के माहौल होते हैं, चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। अमेंडा समझ जाती है कि इस वक्त वो जिस जगह पर है वो जगह सेफ है। दरअसल अब शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा डर चुके हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को लूट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। वही हमें अमेंडा की बेटी को दिखाया जाता है जो एक घर में जाती है, जहाँ पर उसे खुफिया बंकर मिलता है। वो उस बंकर के अंदर चली जाती है जहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी सप्लाई होती है, यहाँ पर लाइट भी है, साथ ही उसे यहाँ पर फ्रेंड्स की डीवीडी मिलती है। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो इसके सभी एपिसोड्स देख चुकी थी, बस उसे आखिरी एपिसोड देखना था और अब वो उस एपिसोड को भी देख लेगी। दरअसल एक घर, ये बंकर वही बंकर होता है जिसके बारे में स्कॉट ने बताया था कि उसका एक दोस्त है जो कि बहुत अमीर है और उसे इस तरह के खतरों के बारे में पहले से आभास था, इसीलिए उसने एक बंकर बनाया है जहाँ पर खाने पीने की रहने की बहुत सप्लाई है और ये जगह पूरी तरह से सेफ है। और अब अगर अमेंडा की बेटी भी यहाँ पर आ चुकी है तो अमेंडा का पूरा परिवार भी स्कॉट के साथ यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पर रह सकते हैं। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ये हमला किसने किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।